हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर यहाँ पे मैं कौन न्यू वीडियो के साथ आया हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बंदे अभी के टाइम पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे, जो कि हम अपने फेसबुक अकाउंट पे ब्लू ब्लैक बैच कैसे ऐड करें। तो यहाँ पे मैं बहुत ईजिली आज आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपने फेसबुक अकाउंट पर ब्लैक बैच कैसे लगाना है, ब्लैक टिक कैसे लगाना है। तो मैंने यहाँ पे ये हार्ट वाला सिंबल और इसमें ऐड किया हुआ है, क्योंकि काफ़ी लोगों की यहाँ पे डिमांड आ रही थी, जो कि मेरे को फेसबुक पे इंस्टा पे मैसेज कर रहे थे और एक ही बात बोल रहे थे कि अली भाई, मतलब ब्लैक टिक के आगे यहाँ पे मतलब हार्ट भी लगा सकते हैं क्या। तो ये जो मतलब इस तरीके का अकाउंट मैं आज आपको बना के दिखाने वाला हूँ, जो कि आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से बैक कर लिया। बैक करने के बाद आपको यहाँ पे एक बिया ब्राउज़र का यूज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ पे बिया ब्राउज़र का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी जो आईडी है वो यहाँ पे ऑलरेडी इसमें लॉगिन है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी आईडी की जो भी प्रोफाइल है वो आपको यहाँ पे चेकआउट करवा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपनी आईडी की प्रोफाइल को ओपन कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो अकाउंट है वो यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल अकाउंट है, जो कि यहाँ पे ना कोई हार्ट वाला सिंबल है और ना ही यहाँ पे ब्लैक टिक है, ना ही मतलब ब्लैक बैच है। तो उसके बाद आप यहाँ पे मेरी आईडी बहुत अच्छे से देख लो कि बिल्कुल नॉर्मल अकाउंट है। अभी के टाइम पे हर बंदा चाहता है मेरी आईडी पे यार मतलब एक बैच लग जाए, तो कोई मसला नहीं है, मैं सबकी ये प्रॉब्लम दूर करने वाला हूँ आज इस वीडियो में। तो आपको थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद सेटिंग में आ जाना है। उसके बाद आपको हेल्प अकाउंट सेंटर पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे इतना काम करोगे, उसके बाद हमारी जो फेसबुक आईडी है हमें उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नाम वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ से हम अपनी आईडी का नाम चेंज करते हैं। तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे इतना इंटरफेस आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक कर लेना है, क्योंकि काफ़ी सारे बंदे ऐसे होते हैं जो कि विदाउट वीपीएन नहीं करवा पा रहे हैं। तो उन सारे भाइयों के लिए मैं वीपीएन वाली ट्रिक भी लेकर आया हूँ। तो यहाँ से मैं अपना वीपीएन को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जो वीपीएन है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, कोई मसला नहीं है। और रही बात सैम्बल की, तो सैम्बल आप मेरे व्हाट्सअप चैनल से आके ले सकते हो, क्योंकि यार ये जो स्क्रिप है ना वो इतनी लंबी है, मतलब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल नहीं सकता। अगर मैं आपको इंस्टा पे सेंड करूँगा तो मतलब वो पूरी स्क्रिप्ट सेंड नहीं होगी, फिर आप बोलोगे कि अली भाई मेरे से नहीं हुआ। इसीलिए मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप चैनल क्रिएट किया हुआ है, तो वहाँ पे ये वाला जो सैम्पल है वो मैं वहाँ पे सेंड कर दूँगा। जो भी बंदा मतलब मेरा सब्सक्राइबर है वो वहाँ से मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करके और वहाँ से ये वाला जो सैम्पल है उसको ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो भी मेरे न्यू सैम्पल होंगे, मैं जो भी न्यू अपडेट लेकर आऊँगा तो अपने व्हाट्सअप चैनल पर सारा का सारा कुछ दे दूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मतलब मेरा जो वीपीएन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद करना क्या है आपको, तो यहाँ से मैं अब बैक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा वीपीएन बहुत अच्छे से कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे मतलब जो मेरा एप्लीकेशन है वो भी यहाँ पे वीपीएन में आ चुका है। उसके बाद अब आपको करना क्या है, तो ऊपर की साइड आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हो, जहाँ पर अकाउंट सेंटर लिखा हुआ है वहाँ पर आपको सर्च बार में आने के बाद जो स्क्रिप्ट मैं आपको दूंगा वो आपको यहाँ पे पेस्ट करके सर्च कर देना। जैसे ही आप यहाँ पे इतना काम करोगे तो आपके सामने ओके एक ऑप्शन आएगा, तो ओके पे क्लिक कर देना। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको अगेन यहाँ से उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ से भी कीबोर्ड के बटन से डन करके ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे इतना काम करोगे फिर से आपको अगेन इसी तरीके से करते रहना है, जब तक कि आपके पास मैसेज ना आ जाए इग्नोर दिस का। तो कोई मसला नहीं है, मैं फिर से यहाँ पे ट्राई कर लेता हूँ इसी तरीके से मैं कर रहा हूँ, उससे हम इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप करते रहना है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे किया तो आप देख सकते हो मेरे को मैसेज आ चुका है प्लीज़ वेट। तो गाइज आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे वेट कर लेना है, चाहे एक मिनट का, दो मिनट का, तीन मिनट का, पाँच मिनट का। अगर आप यहाँ पे वेट नहीं करोगे और फिर से आप ज़्यादा बार ट्राई कर दोगे, फिर आप बोलोगे कि अली भाई मेरे से ये जो ब्लैक बैच वाला सिस्टम है वो मेरे से हो नहीं रहा है। तो मैं यार एक ही बात रिकमेंड करूँगा आपको, यहाँ पे बस वेट करना है और कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता हूँ, तो जो भी मैं करूँगा सब कुछ आपके सामने करूँगा। मैंने यहाँ पे अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश कर लिया। यहाँ पे थोड़ा नेट का मसला हो जाता है, अगर हम वीपीएन कनेक्ट करते हैं तो जो नेट की स्पीड होती है वो यहाँ पे स्लो हो जाती है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको यहाँ पे कितना भी स्लो नेट चले लेकिन आपको यहाँ पे वेट करना है। आपको यहाँ पे इसके साथ डटे रहना है, क्योंकि आपको हिम्मत नहीं आ रही है, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि मेरा नेट नहीं चल रहा है। तो यार ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं, सबके साथ होती है, क्योंकि वीपीएन जब हम कनेक्ट करते हैं तो नेट की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने आपके सामने अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश किया
और यहाँ पे मेरी आईडी का जो सिंबल है वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुका है, तो आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद मैं आपको अपनी आईडी की जो प्रोफाइल है वो भी यहाँ पे चेकआउट करवा देता हूँ, मतलब मेरी जो आईडी की प्रोफाइल है अब किस तरीके की लग रही है। और पहले भी आपने देखा जब मैंने आपको ओपन करके दिखाया था, मतलब किस तरीके की नॉर्मल सी एक प्रोफाइल लग रही थी। और अभी के टाइम पे अब मैंने ये वाला जो ब्लैक बैच लगाया है और यहाँ पे ये जो हार्ट वाला सिंबल लगाया है, इसको लगाने के बाद ये जो आईडी का लुक है ना वो बहुत ज़्यादा प्यारा हो जाएगा। तो यहाँ से नेट ज़्यादा ही स्लो चल रहा है तो कोई मसला नहीं है यार, इतना तो बनता है, क्योंकि अगर हम आईडी प्रोफेशनल बनाएंगे तो इतना टाइम तो लगता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब मैं अपनी आईडी की प्रोफाइल भी ओपन करके आपको चेकआउट करवा देता हूँ। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो, मतलब अभी के टाइम पे जो लुक आ रहा है मेरी फेसबुक आईडी का वो कितना यूनिक आ रहा है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब।